जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम योर एडुकेटर गौरव आधनिक, वेलकम यू इन द ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड बाय तेवसी इंटरनेशनल स्कूल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन। कि हमने पिछली स्लाइड में यानी पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, होप यू ऑल हैव लर्नड इट। सेकेंड, वी हैव सीन दैट वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने देखा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है एक देश के लिए, नागरिकों के लिए। फिर हमने देखा कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर्म्ड, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे किन किन लोगों ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। एंड एट द लास्ट वी हैव सीन द ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय द B.R. अम्बेडकर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, तो इतना समझने के बाद अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे ड्राफ्टिंग कमिटी जो हमने पिछले सेशन में बात की थी वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चों जो बनाई गई उसने टोटल 166 सेशंस किए, यानी कितनी बार मीटिंग्स हुई, 166 बार उन लोगों ने मीटिंग्स की ये तय करने के लिए कि वे किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली पीरियड की बात करें तो वो था 2 साल 11 महीने और 17 दिन, यानी 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 17 डेज का टाइम इसमें लगा, इसे फॉर्मेशन होने में लगा, इसे बनने में लगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये समय याद रखना है, ये सेशंस याद रखने हैं, ये दोनों डिजिट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। द मेम्बर्स ऑफ द असेंबली हैड डिस्कस्ड द थ्रेड बेयर ईच एंड एवरी डिटेल इट्स प्रोविजन कीपिंग इन कंसर्न द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, बड़े क्रिटिकल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से मतलब कि सोच विचार कर, डिबेट करके, बहुत सारे टॉपिक्स पर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उन्होंने सारे जो पॉइंट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे थे वो सब डिस्कस किए आपस में। और इनको डिस्कस करते वक्त उन्होंने दिमाग में एक चीज़ भी रखी थी कि जो दूसरे देश हैं उस समय, जो समय भारत के पड़ोसी देश थे, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या श्रीलंका, नेपाल, चाइना की बात करें या फिर किसी दूसरे पड़ोसी देशों की बात करें, वो सारे देशों के पास भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो मद्देनज़र उनके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं इस बात को भी खासा ध्यान में रखा गया। और इसी तरह जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ उसमें 295 यानी 295 आर्टिकल्स थे और 8 अपेंडिक्स थे, यानी टोटल जो कंटेंट था इस आर्टिकल के अंदर, कितने आर्टिकल्स थे, कितने अपेंडिक्स थे, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और ये आपको याद रखना ही है, 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिक्स, ये उस समय यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय इतने आर्टिकल्स और इतने अपेंडिक्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट, अब बच्चों ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है पर आपको समझना है, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि चेंज इज़ द नीड ऑफ लाइफ, जीवन का कहीं ना कहीं परिवर्तनीय एक नियम है, उसी तरह अमेंडमेंट हम हमेशा करते आए हैं। और क्यों किया है, क्योंकि हमने लोगों की एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन को देखते हुए और बदलते समय के हिसाब से हमने कुछ कानून को बदला भी है। इसीलिए जो उस समय यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 295 आर्टिकल थे और 8 अपेंडिक्स थे, वो अब बदल कर 395 हो चुके हैं आर्टिकल्स और 9 अपेंडिक्स, यानी आप कह सकते हो कि करीबन 100 और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इस 70 ईयर्स में हमने जोड़ लिए हैं, 73 ईयर्स में हमने जोड़ लिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूलभूत तरीका था, जो फंडामेंटल था उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुका है अब तक। ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए हैं, तो आपको ये याद रखना है बच्चों। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको क्या बताता है कि ऑन 26 नवंबर 1949, ये वो दिन था जब द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनएनिमसली पास्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949
49 यानी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पास भी कर दिया था। पास कर दिया था मींस कि आफ्टर डिस्कशन एवरी मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली वाज एग्रीड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सभी एग्री थे और कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ 26 जैन 1950। आपको 26 जैन, आई थिंक शायद ये डेट याद होगी, 26 जनवरी जो दिन है, ये दिन आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ये दिन था द डिमांड ऑफ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, यानी जब रावी नदी के किनारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये अपना ट्राई कलर इंडिया का फहराया था और उस समय शपथ ली गई थी कि भारत को कम्प्लीट डिमांड फॉर कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जाए, और उस समय ये भी प्रतिज्ञा की गई थी कि हम हमारे देश को 26 जनवरी तक आज़ाद कराएंगे। बट आपको पता होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, पर उन्होंने इस डेट यानी जो 26 जैन थी उस डेट को ही सोचा कि हम आज़ादी तो 15 अगस्त को पा लिया है, पर अब हम हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम इस डेट को लागू करेंगे। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 26 जैन 1950 वॉज द डे वेन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केम इन टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक नेशन, समझ रहे हैं आप लोग? दैट्स वाई 26 जैन इज कंसिडर्ड टू बी अवर रिपब्लिक डे एंड 15 अगस्त इज कंसिडर्ड एज अवर इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र इस शब्द को समझ लीजिए, गण मीन्स क्लस्टर, ठीक है, ग्रुप, और तंत्र मीन्स सिस्टम। अब इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए, रिपब्लिक यानी हाउ टू मैनेज द पब्लिक इन द कंट्री इज नोन एज रिपब्लिक। सो हम कह सकते हैं कि अपने गण को अच्छे से तंत्र में रखना, यानी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिससे पूरी कंट्री के अंदर सेफ, सिक्योरिटी और पीस रहे, इसीलिए भारत को अब 26 जनवरी 1950 के बाद एक रिपब्लिक नेशन का दर्जा मिला, यानी एक गणतंत्र राष्ट्र कहा जाने लगा। देयर आफ्टर एवरी ईयर यानी हर साल 26 जनवरी यानी 26 जैन वेयर सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे विद द नेशनल फ्लेवर। आप देखते ही होंगे, और इस दिन का खास क्या होता है, शायद आपको याद होगा कि नई दिल्ली में, ठीक है, राजपथ पर इसी दिन परेड निकलती है जिसमें भारत के अलग अलग जो टुकड़ियां हैं, सैन्य टुकड़ियां हैं, ठीक है, आर्मी है, नेवी है, अलग अलग फोर्सेस हैं, वो अपनी अपनी सैन्य शक्ति यानी अपनी मिलिट्री पावर दिखाती है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस दिन हम भारत की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको देखते हैं। ठीक है, और आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस परेड को तो ज़रूर देखा होगा। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट 8 शोज दैट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लायंस। ठीक है, आपने देखा है ये, जैसे अब 3D इफेक्ट से तो हम सिर्फ 2D इफेक्ट से तो हम सिर्फ 3 लायन देख सकते हैं, बट इसके पीछे 4 लायन, एक और लायन होता है। तो वी कैन से ये जो 4 लायंस है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। क्या है? हमारा राष्ट्र चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम। इसको आपने हर जगह देखा होगा, चाहे आप नोट की बात करें या फिर सरकारी किसी भी चीज़ की बात करें, हर जगह आपको ये जो एम्बलम है वो देखने को मिलेगा, चाहे हम जुडिशरी की बात करें या फिर कहीं भी जो चीज़ नेशन से जुड़ी हुई है उस पर यही राष्ट्र चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं द 4 लायंस। चलिए, तो एक आपको मैं एक्टिविटी देता हूँ कि आपको ये पता लगाना है कि ये जो 4 लायंस हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं से तो इसे लिया गया होगा। ठीक है, कैसे ये दिमाग में आया, कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा इसका आंसर मैं आपको दूंगा, तब तक आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको पता करना है। यू कैन यूज़ योर इंटरनेट, यू कैन यूज़ डिफरेंट योर सोर्सेस, आपको पता लगाना है कि कहाँ से हमने ये जो 4 लायंस हैं, ठीक है, इसे लिया है या फिर हमने अडेप्ट किया है। और जो स्लोगन है भारत का, वो सत्यमेव जयते, ठीक है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, द ट्रूथ विल ऑलवेज विन। दिस इज़ ऑल्सो योर एक्टिविटी, ये भी आपको पता करना है कि सत्यमेव जयते जो स्लोगन है ये किसने दिया, हु हैज़ गिवन दिस स्लोगन। तो ये दो एक्टिविटी आप सभी को करनी है बच्चों, ठीक है, दैट नंबर 1 फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन और अडेप्टेड दिस 4 लायन एम्बलम, एंड सेकेंड हु हैज़ गिवन दिस स्लोगन ऑफ सत्यमेव जयते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट 9 की तरफ देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर किन किन बातों का ध्यान रखा गया और किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है। सबसे पहली चीज़ आती है सिटीजनशिप यानी नागरिकता।
बच्चों आप सभी लोगों ने अभी एक बिल की बात सुनी होगी जिसे हम सिटीज़न अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी कुछ सुना होगा इसके बारे में कि कैसे जो भारत के आसपास जो हिंदू धर्म या फिर कोई दूसरे धर्म के जो लोग रहते हैं जिन पर प्रताड़ना की जा रही है उनको हम भारतीय नागरिकता देते हैं दे रहे हैं। इस बिल में ये कहना था, आपने सुना ही होगा। तो सिटीज़नशिप आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जैसे एक घर पर किसी का अधिकार होता है, जैसे आपके घर पर आपका अधिकार है, उसी तरह देश पर नागरिकों का अधिकार होता है, ठीक है। सो हु दिस सिटीजन्स आर द ओनर ऑफ द कंट्री वी कैन से। तो सिटीजनशिप क्या होगी और कैसी होगी ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। यानी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब हो गया कि दो कंट्री की सिटीजनशिप हो, ठीक है, और वहीं सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि किसी एक ही कंट्री की। तो जो हमारे भारत में अभी सिंगल सिटीजनशिप का रूल आउट है, यानी हमारे भारत में अगर आप नागरिक हैं भारत के तभी हो सकते हैं जब आपके पास कोई और देश की नागरिकता नहीं हो। आपने 370 के बारे में सुना हुआ है, सबने आर्टिकल 370 के बारे में। हाल ही में पिछले साल आर्टिकल 370 हटा दी गई, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। इसी साल हटाई गई। तो इस जो आर्टिकल 370 में उस समय प्रावधान ये था, प्रोविजन ये था कि कैसे उस समय जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनको ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती थी। ड्यूअल सिटीजनशिप मींस कि वो उस समय पाकिस्तान और भारत के, यानी कश्मीरी सिटीजनशिप और इंडियन सिटीजन दोनों से ले सकते थे। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370, 370 जो आर्टिकल निकाल दिया गया है, इस आर्टिकल के अधीन अब जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाएगी, वो भी सिर्फ भारत की। सेकेंडली, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पीपल, यानी लोगों के अधिकार और लोगों की जिम्मेदारियाँ, ठीक है, क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे और वो राइट्स को कैसे फुलफ़िल करना है, वो सारी ड्यूटीज़ भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक है, मेंशन की गई है। इसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो आर्चिपिलोज हैं वो भी कंट्री का एक हिस्सा है। तो उनको कैसे चलाया जाए, उनको कैसे रूल किया जाए, उसके लिए कुछ स्टेट पॉलिसीज़ बनाई गई, ठीक है, और ये स्टेट पॉलिसीज़ को नाम दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यानी कि ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जो डायरेक्शन देंगे मींस आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे, समझ रहे हैं। एंड डी इस यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। देखिए, यहाँ यूनियन मींस सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट मींस स्टेट गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो केंद्र सरकार, ठीक है, ये जो दिल्ली से ऑपरेट हो रही है, और स्टेट गवर्नमेंट यानी जो अपने अपने स्टेट्स के अंदर है, और उन दोनों के बीच में भी अच्छे रिलेशंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपस में ये दोनों अच्छे से रिलेट करेंगे तभी तो इंडिया का जो है वो डेवलपमेंट हो पाएगा। तो सेक्शन डी में ये इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस। देन आता है इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में आपने पता ही होगा सभी को, ठीक है, कैसे किए जाएंगे, और इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी जब भारत में आपातकाल अगर लगा दिया जाए तो उसके क्या मायने होंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में अभी तक एक ही बार दो बार इमरजेंसी लग चुकी है, जिसमें एक बार 1971 जब उस समय भारत चाइना युद्ध था, और 1975 में इमरजेंसी अभी तक हमने लगाई है, ठीक है, जिसमें जो राइट्स होते हैं वो सब ले लिए जाते हैं, मीडिया की जो फ्रीडम होती है वो भी ले ली जाती है, और सिर्फ जो राष्ट्रपति शासन है वो ही चलता है, ठीक है। तो इमरजेंसी ये कब लगाई जाती है, जब कोई वॉर हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए या ऐसी सिचुएशन आए, तब इमरजेंसीज लगाई जाती है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट डिटेल एंड एलैबोरेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट। तो ये भी आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इट इज़ मोस्ट डिटेल एंड एलैबोरेटेड, सो यू कैन राइट दिस मच पॉइंट कि इट इंक्लूड्स सिटीजनशिप, इट इंक्लूड्स राइट एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस एंड इलेक्शंस एंड इमरजेंसी प्रोविजन। सो यू कैन राइट दिस मेनी कंटेंट टू जस्टिफाई योर आंसर दैट वाई इट इज सेड एज मोस्ट डिटेल एंड एलैबोरेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट।
ठीक है बच्चों, तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रियम्बल की। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? देखिए, अब आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सभी ने कभी ना कभी मूवीज़ देखी है, ठीक है, देखी ही होगी थिएटर में। ठीक है, लॉकडाउन से पहले आप जाते होंगे थिएटर। तो आप, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आप किसी मूवी को कैसे देखते हैं या फिर क्यों क्यों देखने जाएंगे? या तो आपको उसके अंदर फेवरेट हीरो हो या कोई अच्छी स्टोरी हो या आपको पसंद आए तब। तो फिर उस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि स्टोरी अच्छी है या फिर हीरो ने एक्टिंग अच्छी की है? यस, उसका ट्रेलर देखकर। तो वो ट्रेलर से ही हमें पता चल जाता है, 30 सेकंड्स 50 सेकंड्स में पता चल जाता है कि क्या ये मूवी मुझे पसंद है, क्या ये मुझे रिलेट करती है, तो आप उस मूवी को देखने जाते हो। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्ट डिटेल्ड है, मोस्ट डिटेल्ड है मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड, इसीलिए उसे शॉर्ट में समझना, उसके ट्रेलर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर बड़े से कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप प्रियम्बल से इसे समझ सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। प्रियम्बल इज़ द कोर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर इसलिए कि ये पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको प्रिसाइज करता है, प्रिसाइज मीन शॉर्ट में समझने में हेल्प करता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद प्रियम्बल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है वो कहाँ से शुरू होता है? प्रियम्बल से शुरू होता है। ठीक है, द वर्ड रिटन इन द प्रियम्बल हाईलाइटेड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल मीन्स आत्मा, तो जो संविधान की आत्मा है यानी संविधान की जो वी कैन से एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं वर्ड्स में जो प्रियम्बल में लिखे गए हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स? जी हाँ, ये वो है वो वर्ड्स जिनको हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल शोज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू द कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया इनटू अ, यानी हम जो भारत देश के लोग हैं वो, ठीक है, अपने पूरे तहे दिल से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को सॉरी इंडिया को रिजॉल्व करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नंबर वन, सोवरिजन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो बच्चों, ये पांच ऐसे हाईलाइटेड वर्ड हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहलाते हैं। सोवरिजन मीन्स कि भारत में अलग अलग रीजन है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, हमने बात की थी पार्ट वन में। ठीक है, हिमालयस, प्लेन, प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, आर्चिपेलागोस, ये सब हैं, इतनी वेरिएशंस हैं रीजन्स में, फिर भी सारे रीजन्स एक हैं, यानी एक है मीन्स इम्पॉर्टेंस सबको बराबर दी जाएगी और सबको एक की मतलब उसकी जो वी कैन से कि सबका जो एक लेवल है वो एक जैसा होगा। ठीक है, सबको एक जैसी इम्पॉर्टेंस दी जाएगी और साथ ही साथ सबको एक जैसी रिस्पेक्ट। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, यानी समाजवाद, यानी भारत में एक समाज की स्थापना होगी जो कि जाति धर्म सॉरी जाति और भाषाओं से ऊपर होगी। ठीक है, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो आगे चलकर सभी के लिए फ्रूटफुल होगा, जो सभी को डेवलपमेंट यानी विकास करने में हेल्प आउट करेगा। देन सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स एवरी रिलीजन इज़ इक्वल। भारत में बहुत सारे रिलीजन है, आप सभी को पता है, बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी और सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दी जाएगी। ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बात रख सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस समय जब भारत आज़ाद नहीं था तब भारत के पास नहीं थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर थिंग इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, व्हाई इज रिपब्लिक? वी हैव डिस्कस्ड कि इट मेंटेन्स, इट ऑरिजिनेट्स एंड इट प्रॉपरली डेवलप द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम कह सकते हैं ये जो प्रियम्बल का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे जस्टिस यानी इंसाफ का अधिकार, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, यानी सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सभी को जस्टिस मिलेगा। यानी उसके बाद आता है लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, आप सोच सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म बिलीव कर सकते हैं, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। इक्वालिटी,
समानता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार होगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को एक दूसरे को मोटिवेट करना है और हेल्दी कॉम्पिटिशन करना है। और उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। What is it? It is assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. यानी हम सभी को एक दूसरे की ना सिर्फ रिस्पेक्ट करनी है बल्कि एक दूसरे के धर्म, जाति, भाषा को सम्मान देना है, ठीक है। सो इन दिस होल थिंग, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एंड होता है। कैसे एंड होता है? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 26th डे ऑफ नवंबर 1949। याद आ रहा है, ये वो दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था। सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे ऑफ 1949 वी हियर बाय टू अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं ताकि हम इसका पालन करेंगे और हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को सौंप रहे हैं एक तरीके से। और उस दिन के बाद से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो एग्जिस्टेंस में आया। प्रीएम्बल की बात करते हैं तो प्रीएम्बल 1976 तक चेंज इसमें कोई किया गया नहीं था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि हुआ 1976 में, इसमें सोशलिस्टिक सेक्युलर वर्ड में एक वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ऐड कर दिए गए, ठीक है। यानी एकता और अखंडता भारत की, कि कैसे सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, ये वर्ड्स भी प्रीएम्बल में ऐड कर दिए गए। कब? 1976 में। द प्रीएम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो उसका एम है, आइडिया है और जो सिद्धांत है, वो सब चीज़ प्रीएम्बल वर्बलाइज करता है, यानी कम शब्दों में हमें समझाता है। Therefore, the preamble straight away gives a clear insight of the role of welfare. यानी ये क्या बता रहा है कि वेलफेयर का रोल है, ठीक है। वेलफेयर मीन्स कल्याण, हर किसी एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पूरे देश का कल्याण। कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, कैसे नेशन को डेवलप किया जाए, कैसे हमारी जो कंट्री है उसका नाम बढ़ाया जाए। द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फार्मर्स एज अ साइट। सो वी कैन से दैट कि एक छोटे से मापदंड से हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वही चीज़ ये प्रीएम्बल करता है, ठीक है बच्चों। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंटेंट विच वी हैव डिस्कस टुडे। लेट्स रिवाइज इट। इन दिस वीडियो वी हैव सीन द फर्दर प्रोसेसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट केम टू इन एग्जिस्टेंस। देन वी हैव सीन द प्रीएम्बल, दैट व्हाई, व्हाट इज प्रीएम्बल इज ऑल अबाउट। And then we have also discussed about that what are the main features or what are the main things included in the preamble, ठीक है, जिसमें हम sovereignty की बात कर रहे थे, socialistic की बात की हमने, ठीक है, unity integrity की बात की हमने, fraternity की बात की, justice की बात की। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं जो constitution में तो लिखी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ precise रूप से, यानी precise कम शब्दों में आपको preamble में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो दो एक्टिविटी जो आज मैंने आपको दी है वो एक्टिविटी आप याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका आंसर बताऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एट होम। आई एम योर एडुकेटर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।